नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। आज ही प्रेस वार्ता रखी है, ये क्या है पूरा? मैं सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत करता हूं। लगातार प्रेस के बंधुओं के बीच आपस में चर्चा होती रहती है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में आपस में बातचीत करने के उद्देश्य से आप लोगों को बुलाया गया है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय आने के बाद श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जाकर भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है, जिसका इस देश के ही लोगों ने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों ने इस भूमि पूजन को सराहा है। वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय आया, उस निर्णय का स्वागत हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, सभी लोगों ने उसका भरपूर समर्थन दिया और आज उसी का परिणाम है कि भव्यता के साथ 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूमि पूजन किया गया और मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत मंदिर को नहीं रोक सकती। वहां मंदिर और भगवान राम का मंदिर था, है और रहेगा, यह सबने माना है, सबने माना है। सर, वो तो न्यायालय के जज पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे लोग जो सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर या देश से बढ़कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और एक देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर खोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि जो सरकार के दबाव में आकर के जो है कोर्ट ने फैसला जो सुनाया है, सांसद डॉक्टर, न्यायालय किसी सरकार के दबाव में नहीं चलती है। न्यायालय के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं और सब लोगों ने विश्वास किया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम भाई थे, दोनों पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करने के बाद कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानेंगे और उसका पालन करेंगे और आज सारे इस देश के अंदर जो देशभक्त हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम, सब लोग उस मंदिर के निर्माण में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरा समर्थन कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के इस देश के अंदर यदि एक दो व्यक्ति हैं सांप्रदायिकता को फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य के अंदर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कुछ लोग इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था में खलल पैदा करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। प्रशासन उसमें अपना काम करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी, बताना चाहता हूं जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर चलेगा, यह देश प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर चलेगा, यह देश जो अपनी पुरातन संस्कृति चली आ रही है उसके आधार पर चलेगा, यह देश किसी शरीयत,
वह शरारती तत्वों के आधार पर नहीं चलेगा या शरारत करने वाले व्यक्ति के आधार पर नहीं चलेगा। यह देश संविधान के आधार पर चलेगा और जो व्यक्ति संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। आज देश के अंदर कमजोर सरकार नहीं है, आज देश के अंदर मजबूत सरकार है। और कोई व्यक्ति ये ना समझे कि देश के अंदर कमजोर सरकार है, यदि ऐसे व्यक्ति जिस देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे तो उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और भविष्य में भी कार्रवाई होंगी। अयोध्या के अंदर राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर बनकर रहेगा। भारत माता की जय।